के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों सम्मानित हुए जीत का सेहरा बांधने वाले बूथ कार्यकर्ता। सीएम योगी ने कहा, बूथ कार्यकर्ताओं के बीच प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए सबसे अधिक वोट दिलाने की। फर्जी सेल टैक्स अफसर बनकर बदमाशों ने दिया लूट की घटना को अंजाम। करोड़ों की सुपारी लदी ट्रक लेकर हुए फरार। एसपी साउथ ने कहा, जल्द होगा घटना का पर्दाफाश। 30 व 31 मई को जिले के 32 केंद्रों पर आयोजित होगी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा। एडीएम सिटी व परीक्षा के नोडल अधिकारी ने कहा, पूरी है तैयारियां, लगभग 29,000 परीक्षार्थी होंगे शामिल। भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर धन्यवाद। गोरखपुर के अंतर्गत महानगर के 17 स्थानों पर सांस्कृतिक विभाग ने प्रस्तुत किए विभिन्न लोक कलाएं। जनपद वासियों को व्यक्त किए आभार। एसपी क्राइम की अध्यक्षता में संपन्न हुई किशोर न्यास बोर्ड की बैठक। बाल विवाह रोके जाने सहित बाल संरक्षण के अन्य बिंदुओं पर हुई चर्चा। एनएक्सी भवन में आयोजित हुआ दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं महात्मा गांधी नरेगा के अभिसरण विषय कार्यशाला। ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब वर्ग को लाभान्वित करने के लिए सरकार की योजनाओं की दी गई जानकारी। पुलिस अधीक्षक अपराध की अध्यक्षता में संपन्न हुई व्यापार सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक। व्यापारियों के विभिन्न समस्याओं पर हुई चर्चा, निदान की बनी रणनीति। लोकसभा निर्वाचन 2019 में एनडीए को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद दो दिवसीय कार्यक्रम पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुंदेलखंड के राई नृत्य से हुआ स्वागत। भाजपा के अभिनंदन समारोह में शामिल कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी ने किया भोजन की व्यवस्था। लगभग 2,000 लोगों ने उठाया भोजन का लुत्फ। ज्येष्ठ माह के दूसरे मंगलवार को किया गया भंडारे का आयोजन। आम से लेकर खास सभी लोगों ने किया प्रसाद ग्रहण। और नए कलेवर में नजर आएगा रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम। तेजी से चल रहा है मैदान के सुंदरीकरण का कार्य। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी ने कहा, जुलाई तक पूरा हो जाएगा सुंदरीकरण का कार्य।